उत्तर प्रदेश में सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी खून का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक मरीज को खून की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तीमारदारों का आरोप है डॉक्टर ने 2 बोतल खून जल्द उपलब्ध कराने की बात कही। समय पर उपलब्ध न कराने पर डॉक्टरों ने किसी से खून का बदला करके खून ले लिया, जिसे चढ़ाते समय मरीज की हालत बिगड़ गई। ऐसी कई मरीज हैं जिनके साथ ये घटना हो चुकी है।